तो हाँ सोचा साइकिल मिलेगा, साइकिल। हाँ आप बोलिए, बढ़िया से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम बता दो ना, नहीं बोल पा रहे हैं तो तुम बता दो। हुरमेटा यहाँ से कितना दूर पड़ता है, कितने घंटा चल के आए यहाँ पे, कब चली थी घर से? तब वो 5 घंटा हो गया। 5 घंटा में चली थी, अभी दोपहर के 12 बजे के बाद बजे हैं और सुबह 6 बजे विकलांग महिला को लेके निकली हैं। अब सोच लीजिए, अगर हम दोनों पांव पे चलते हैं, 6 घंटा सफर करते हैं तो हम थक जाते हैं, कहीं थक के बैठ जाते हैं, और एक विकलांग दिव्यांग महिला अपने सहयोगी के साथ सुबह 6 बजे घर निकले हैं और 12 बजे यहाँ पंचायत सरकार भवन और रेहल में यहाँ से फिर अपने घर की लौट जाएंगे। तो हमने कहा ना कि डीएम जिस तरह से यहाँ के लोगों के लिए सेंसेटिव दिख रहे हैं और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, वाकई ये कहना जायज होगा कि इस तरह के दिव्यांग लोगों के लिए रोहतास डीएम अभी वरदान के रूप में साबित हो रहे हैं। आप सब धन्यवाद। अच्छा, तो आपको एक पैसा की और आवश्यकता थी, एक पैसा की आज मिल गया, डीएम सर ने आपको पैसा की एक दे दिया है, पहले की अपेक्षा कुछ न कुछ तो सुविधा हो जाएगा चलने में। अच्छा, तो अभी मिलल नहीं खेर हुआ ना, अभी कहाँ मिलल बाबा? जी जी, का नाम पड़ी रहा हूँ हमार रमकलिया देवी, मने अब बेवा हो गई बाबू, तो देवी चलता आधार कार्ड में चंद्रबा से घर घर पिता स्वर्गीय घर कहाँ बना हुरमेटा हुरमेटा ग्राम बंडा हुरमेटा की महिला। और जहाँ तक बात है कि चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको योजनाओं की मुकम्मल जानकारी नहीं होती है, जिससे वो लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, इस क्रम में जनसंवाद के साथ साथ जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुसार यहाँ जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक पंचायत में, और जन कल्याण शिविर में उनके पंचायत में ही जा करके और सभी योजनाओं से जिनके से वो वंचित रह गए हैं उनके घर घर एक सर्वे होता है और सर्वे के बाद उनके आवेदन को उस जन कल्याण शिविर में लिया जाता है और जिसको पोर्टल पर एंट्री की जा रही है और जिला स्तर से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं उनसे जो है वंचित न रहे और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। इस दिशा में सतत रूप से हम लोग प्रयासरत हैं, पूरा जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में लगा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू आप सभी का।